आरडी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास ट्वेल्थ है, चैप्टर 15, मीन वैल्यू थ्योरम्स, एक्सरसाइज है 15.2। ये जो एक्सरसाइज है या जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें हम लैग्रेंज साहब का जो मीन वैल्यू थ्योरम है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब अंतर क्या है दो में, रोलेज और आपके लैग्रेंज साहब में? रोले साहब कहते थे कि भाई कॉन्टिन्यूटी देखिए पहले फंक्शन की, फिर डिफरेंशियबिलिटी देखिए, उसके बाद आप देखिए कि जो दो आपको डोमेन पॉइंट दिए हैं एफ ए एफ बी बराबर दोनों है कि नहीं, और अगर ये दोनों बराबर है तो डोमेन में जो ए और बी है इसके बीच में कोई ना कोई एक सी होगा जहां पर एफ डैश सी बराबर जीरो होगा, ये कहना था रोले साहब का। लैग्रेंज साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कॉन्टिन्यूटी करिए, डिफरेंशियबिलिटी करिए, एफ ए बराबर एफ बी वाली जो बात है वो इन्होंने कह दी नहीं, हमें नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जरूर हमारे पास एक एफ डैश सी होगा लेकिन वो जीरो के बराबर नहीं होगा, वो कहते हैं कि ये होगा एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, ऐसा करना है इसको। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक करके आपको वो स्टेप्स बताऊंगा, क्योंकि आगे जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनका पूरा एक्सप्लेनेशन वही है जो मैं अभी देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, आप जानते हैं ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशियबल भी होता है, इसका मतलब जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो इस डोमेन में जो कि यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशियबल भी है। तो पहली दूसरी कंडीशन आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की लिखिएगा और बता दीजिएगा कि ये है, उसके बाद आप बताइएगा अगर ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है तो दोनों ही जो कंडीशन है, दोनों जो जरूरतें हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की, वो सेटिस्फाई हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, रियल नंबर, कम से कम एक रियल नंबर वैल्यू होगी जिसको हम सी कह रहे हैं, जो इस 2 और 3 के अंदर होगी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, ये राउंड ब्रैकेट होगा, इसमें 2 और 3 को आप इंक्लूड करोगे। जो रोले थ्योरम था उसमें स्क्वायर ब्रैकेट था, तो 2 और 3, 2 से आगे 3 के पीछे हम करते थे, 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करते थे। यहां पर अगर एफ डैश सी निकालने की बात होगी तो हम कहेंगे एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, तो हमारे पास बी क्या है, देखिए 3 है, तो एफ बी की जगह मैंने आपको बता दिया था ना, तो यहां पर हम एफ 3 रखेंगे, यहां हम एफ 2 रखेंगे और यहां 3 माइनस 2 रखेंगे, ठीक है साहब। तो आपके पास ये जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दूसरी चीज क्या करनी है आपको, एफ डैश एक्स निकालना है, वो क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, 2x आएगा, और वो किसके बराबर है आपके एफ 3 एफ 2 माइनस 3 माइनस 2, तो एफ 3 भी निकालना पड़ेगा एफ 2 भी निकालना पड़ेगा, तो एफ एक्स ये है तो एफ 3 क्या आएगा जी, 3 स्क्वायर माइनस 1, ऐसी एफ 2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 9 माइनस 1 यानी कि 8, ये 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि आपका 4 माइनस 1 3 हो गया ये। अब यहां पर उसको रख दीजिए और उसको बराबर किसके करना है, 2x के, इसकी जगह पे एफ डैश सी एफ डैश एक्स जो आपने निकाला है 2x रख दीजिए, एफ 3 अभी अभी आपने निकाला वो 8 हो गया, F2 आपने निकाला वो 3 हो गया, और ये नीचे 3 माइनस 2 इसको मैं 1 लिख देता हूं, तो छोड़ देते हैं 1 लिख ही देते हैं कंप्लीशन के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझना है। तो क्या बना इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2x बराबर 8 माइनस 3 यानी के लिए 5, x बराबर आ गया 5 बाय 2 यानी कि ये 2.5 है, और 2.5 आपका 2 और 3 यानी कि 2 और 3 के बीच में यहां पर 2.5 यानी कि 5 बाय 2 आपका लाई करता है। तो इस तरीके से आप लैग्रेंज थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये जो है 2.5 या कि 5 बाय 2 ये बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल, क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से आप इसे लिखेंगे वो दर्शाता हूँ, वो दिखाता हूँ, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आगे के क्वेश्चन जो इस तरीके के होंगे वो हम स्किप करेंगे, जो अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, क्योंकि इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं। ये आपका पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल जो है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की एमवीटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमवीटी कहते हैं, एमवीटी का कॉन्टिन्यूटी हो गया, एमवीटी का डिफरेंशियबिलिटी हो गया, क्योंकि यहाँ आपको आपको पॉलिनोमियल दिख ही रहा है। ऑलराइट, अब एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया, डिफरेंशियबल हो गया, अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कैसे निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 2 से 4 हो जाएगा, 4x और माइनस 1, ये आपकी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 आपका एफ डैश एक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स या एफ डैश सी जो भी आप कह लें, एस सी कह लें एक्स कह लें, तो ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ये किसके साथ इक्वेट करना है,
एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। अब हम पहले एफ बी निकाल लेते हैं, यानी कि ये ए है ये बी है ना, तो एफ वन निकाल लेते हैं। और एफ वन क्या होगा, ये देखिए वन क्यूब माइनस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन और ये प्लस थ्री, तो बना वन माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री, तो ये बना थ्री प्लस फोर माइनस थ्री, यानी कि वन आया है। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं एफ जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो जीरो, तो थ्री बचा इसमें। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बता दिया था इसका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन आया था हमारा। ये बराबर करेंगे एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए के। एफ बी क्या है आपका, एफ वन यानी कि वन हो गया, एफ ए या थ्री हो गया, बी माइनस ए हो गया वन माइनस जीरो, तो माइनस टू बाय वन यानी कि माइनस टू आ गया है ना, या माइनस टू के इक्वेट कर दीजिए। अब माइनस टू को इधर ले आइए, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस टू यहाँ आएगा तो प्लस टू बनेगा, ये वन हो जाएगा, प्लस वन बराबर जीरो। राइट, अब इसका हम क्या करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इसको थ्री और वन, तो ये माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, थ्री एक्स ले लीजिए एक्स माइनस वन और ये माइनस वन यहाँ ले लीजिए तो एक्स माइनस वन, तो बना थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ से आपको जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर वन बाय थ्री मिलेगा और यहाँ एक्स बराबर वन मिलेगा, तो जीरो और वन के बीच में ये चीज़ आ गई है आपकी। और आप देखेंगे कि आपको अगर इसके बीच में लेना हो, इसके दरमियान लेना हो, तो आप क्या लेंगे वन बाय थ्री। आपके पास दो ऑप्शन है तो आप वन बाय थ्री चूज करेंगे, x की वैल्यू 1 और 3 दोनों आई है और 1 बाय थ्री इसके, क्योंकि ये आपका जो ब्रैकेट दिया है इन्होंने वो ऐसा दिया हुआ, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम यह 1 नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हमको हम ये 1 बाय थ्री लेना पड़ेगा और ये इसका उत्तर होगा। अब क्लियर देखिए कि इसको हमको करना कैसे है, लिखना कैसे है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब यही बात है, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर करनी है, तो इसको हम फटाफट आगे बढ़ा देते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखना है, ये आपका एफ एक्स हो गया। और मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, यानी कि रेफरेंस, ताकि आप इसको खुद कर लें। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, इसी तरीके से आपको करना है, ये बल्कि सेकंड क्वेश्चन का है, रेप्लिका है एक तरीके का, तो ये भी आप निकाल लेंगे। थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूँ आंसर, ये भी बिल्कुल सेम है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, यानी कि भी पॉलिनोमियल है, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, यानी कुछ अलग नहीं करना है, जो अभी तक मैंने बताया है वह वैसे ही इसको आगे बढ़ना है। तो ये सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जैसे मैंने आपको बताया है। इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ये आपका इसमें क्यूब आएगा, ये भी आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है इसको, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री पे ये बनेगा और बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी, बाकी इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है या स्पेशल नहीं है। चलिए साहब यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमको अंडर रूट दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये है अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स क्या है, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देते हैं एफ एक्स। अब इसमें क्या है कि ये एग्जिस्ट कब करेगा, सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा, ये एग्जिस्ट तब करेगा जब, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव कभी भी होता नहीं है। अंडर रूट जीरो की क्या वैल्यू लोगे आप, अंडर रूट माइनस वन की क्या वैल्यू लोगे आप, तो आपको फिर बात करनी पड़ेगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह। अभी हम क्या है, नॉर्मल अगर सीक्वेंस में देखें तो ये जो चीज़ है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, और क्योंकि ये ऐसा ग्रेटर देन साइन है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 25। आपको ये इनइक्वालिटी में कैसे करते हैं ये आपको जरूर आइडिया होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 का मतलब क्या होता है, एक्स की जगह माइनस फाइव भी हो सकता है, एक्स की जगह फाइव भी हो सकता है, करके देख लीजिए, ये आपका 25 है और ये भी 25 है, तो 25 या तो बराबर है 25 के या लेस देन तो नहीं है, लेकिन माइनस फाइव फाइव दोनों आएगा। इसका मतलब ये बात हो रही है कि अगर आप इस नंबर लाइन की बात करें तो ये माइनस फाइव और फाइव, इसके बीच में एक्स की वैल्यू लाई करें, क्योंकि ये 25 से नीचे है और ये माइनस प्लस दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की बात है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जो है वो माइनस फाइव और फाइव के बीच में है, यहाँ तक ठीक है। अब हर एक एक्स जो माइनस थ्री और फोर के बीच में अगर आप डालेंगे, तो फंक्शन कोई भी वैल्यू आप डालेंगे, तो आप देखेंगे माइनस थ्री और फोर के बारे में बात हो रही है। माइनस थ्री कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और फोर यहाँ आएगा, तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ये इसलिए बताना था कि आप ऐसी वैल्यू ना ले आए या ऐसी वैल्यू ना निकल आए इसमें कि हम उसको अनडिफाइंड कहने लगे, कोई अनडिफाइंड तो है नहीं, ये माइनस फाइव से फाइव के बीच में है, तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि माइनस थ्री और फोर इसके बीच में। अब हम अपने प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, जो हमने सीखा है वही हम आगे बढ़ेंगे। इसमें केवल ये चीज़ ज़रूर देखनी थी आपको, क्योंकि आप अंडर रूट ये जो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो फंक्शन की बात कर रहे हो आप, ये तो कॉन्टिन्यूस भी है क्योंकि माइनस थ्री और फोर के बीच में डिफाइंड है ये, तो आप
इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो बनेगा हाफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन होता है माइनस हाफ, यानी कि अंडर रूट नीचे जाएगा। फिर 25 माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा, इसका भी करना पड़ेगा ना, तो ये होगा जीरो और ये माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स और आ जाएगा आपका। तो एक काम करते हैं, ये टू से टू हटा देते हैं, माइनस रखते हैं एक्स, माइनस एक्स ऊपर रखते हैं, और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस हाफ है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये 2 हमने यहाँ से माइनस टू एक्स कैंसिल कर दिया, माइनस एक्स बाय अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब ये किससे इक्वेट होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, एफ बी निकाल लेते हैं, एफ बी क्या है आपका ये 4, और एफ ए भी निकाल लेंगे माइनस 3, इसमें रख देते हैं अंडर रूट 25 माइनस ये 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये कितना होगा 25 माइनस 3 3 जा 9, तो ये बनेगा अंडर रूट 9 और ये बनेगा अंडर रूट 16, ये बनेगा 3 स्क्वायर 9 और ये 4, तो 4 बार 3 आ गया। तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए में ये आएगा 4 माइनस 3 बाय बी माइनस ए, क्या है 4 माइनस ऑफ माइनस 3, 4 माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि बना ये 7, ठीक है साहब। तो क्या वैल्यू आ गई ऊपर आपकी 4 माइनस 3, ये एफ बी हमने किया ना, एफ ये ए है ये बी है, तो एफ 4 आपका बी हुआ 3, ये उल्टा कर देता हूँ मैं, ये 3 माइनस 4 है, एफ बी माइनस एफ ए करना होगा ना, तो ए ये है बी है, तो ये एफ बी ये हो गया और एफ ए ये हो गया, तो 3 माइनस 4 बाय 7, इसका मतलब आपके पास माइनस 1 बाय 7 आया है। अब ये एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए किससे इक्वेट करना है आपको, एफ डैश एक्स से करना है, इसका मतलब ये इसके साथ इक्वेट होगा, इस पूरे के साथ, है ना। तो यहाँ सीधा माइनस 1 बाय 7 लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हटा दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7x बराबर आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 49 एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको इधर ले आते हैं, तो x इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा इस जगह पे 49 और ये आपका इधर बनेगा 50, ऐसे 50 एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो ये दोनों साइड 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो बनेगा 2x square बराबर हाफ, यानी कि x square बराबर बराबर 1, तो x square बनेगा हाफ। अब x square बराबर हाफ है, इसका मतलब x होगा प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। अब प्लस माइनस अंडर रूट 2 जो है वो अब देखिए इसके बीच में ही लाई करता है, रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होती है ना, तो 1.414 1 डिवाइडेड बाय 1.1414 ये आपका इसके बीच में ही आ जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 इसके बीच में लाई करता है, तो एफ डैश सी बराबर आपका f माइनस 3 बाय 4 माइनस माइनस 3, ये इसके बराबर हो गया और x की वैल्यू भी आ गई जो इसके बीच में है, तो आपने MVT जो है लैंग्रेज थ्योरम ये भी आपने वेरीफाई कर, क्लियर। अब मैं आपको जरा ये हटा देता हूँ और अब मैं आपको एक्चुअल सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसको लिखना कैसे, क्योंकि मैं तो बता देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जो इसका सिलसिलेवार तरीका है स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन वो ये है, तो आपको ये फाइनल मिल जाएगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। चलिए साहब नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्योंकि ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो हम इसको जरूर करेंगे, और देखिएगा इसमें 0 और 1 का आपको दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए, सबसे पहले अब मैं फटाफट करूंगा क्योंकि स्टेप्स आप समझ गए हैं, हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो है आपका टेन इनवर्स एक्स, अब टेन इनवर्स एक्स कॉन्टिन्यूस भी होता है इस 0-1 में और डेरिवेबल भी होता है, तो दोनों कंडीशन आपकी जो जरूरतें हैं लैग्रेंज थ्योरम की आपने मीट कर ली, कंटिन्यूटी भी या डिफरेंशिएबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई वैल्यू ऐसी सी जो 0 और 1 के बीच में लाए करेगी, ये जो आपको दिया हुआ है 0 और 1 के बीच में लाए करेगी, ये आपको बताना है। तो एफ डैश एक्स करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का तो आपको सीधा पता है, देखिए टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी किसके बराबर करेंगे हम एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, एफ बी क्या है टेन इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स 0 बाय 1 माइनस 0, तो टेन इनवर्स 1 क्या है जी, कौन सा एंगल होता है जो 1 आता है, वो आपका पाई बाय 4 होता है, ये तो आपको पता है, और टेन इनवर्स 0 कौन सा एंगल 0 होगा, वो तो 0 ही होगा, और 1 माइनस 0 यानी कि ये आपका पाई बाय 4 होगा, ये किसके इक्वेट करना है यहाँ पर, इससे इक्वेट करना है, तो आपका 4 बराबर पाई प्लस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 बराबर ऐसे कर लेते हैं पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, तो पहले पाई को नीचे ले जाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया आपका 4 बाय पाई, एक्स स्क्वायर हो गया 4 बाय पाई माइनस 1, और ये x निकालना है तो ये अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट इसको 4 माइनस पाई बाय पाई लिख लेते हैं ना, अब इसको वैल्यू निकालेंगे पाई की जगह 22 बाय 7 लिखिए, या 22 बाय 7 या 3.14 लिख सकते हैं, और आप देखेंगे दोनों ही वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, दोनों नहीं एक ही वैसी आ रही है आपकी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है और दोनों ही आपकी वैल्यू लाई करती है
एक वैल्यू लाई करती है, सॉरी दोनों नहीं करती है, इसमें केवल 4 माइनस पाई बाय, क्योंकि देखिए ये 0 और 1 क्या है, ये 0 और 1 ये है 0 और 1, इसका मतलब इसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू आप छोड़ दो, तो 4 माइनस पाई बाय पाई ये आपके 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो आपने बता दिया एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश सी बराबर आपने एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए प्रूव कर दिया, तो लैग्रेंज थ्योरम से ये वेरीफाई हो। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो ये जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है इसको मैं ज़रूर बताऊंगा, और यहाँ आप देखिए इसको बिल्कुल उसी तरीके से किया गया है जैसे मैंने समझाया है, तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं इसको करने के। नेक्स्ट वाला है आपका x प्लस 1 बाय एक्स, तो ये तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन हमने नहीं किया है तो इसको हम जरूर करेंगे। 1 और 3 के बीच में है तो आप सीधा एफ एक्स लीजिए, इसको मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, पहले एफ डैश एक्स डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे आप, इसको आप चाहे तो किसी भी तरीके से कर सकते हो जो भी आपको याद है। तो ये हम इसको यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, मैं इसको क्वेश्चन रूल से कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा, देखिए जब ये जो भी नीचे होता है वो एक्स स्क्वायर होता है फिर यहाँ लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, माइनस कर देते, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे लिखा जाएगा, अब डिफ्रेंसिएशन होगा x का जो कि 1 बनेगा, तो ये क्या बना आपका 2x स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपका क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अभी मैं इसको इक्वेट करूंगा किससे, यहाँ निकाल लेते हैं एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो एफ बी निकाल लेते हैं पहले, बी ध्यान रखिएगा ये होता है 3, और एफ ए निकालेंगे जो कि आपका 1 हो, तो इसमें रखेंगे सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 में बाय एक्स में, तो यहाँ हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3, ये बनेगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3, तो बनेगा 9 प्लस 1 10 बाय 3 हो गया ये, और ये हो गया 1 प्लस 1 2 बाय 3 हो गया, है ना 2 बाय 3, और ये आपका 2 बाय 3 है ये, एक मिनट यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये तो 2 आ रहा है जी, b माइनस ए है ना, ये 3 ये 3 माइनस 1 है, ये 3 माइनस 1 किया तो ये 10 और 3 माइनस 1 ये 10 बाय 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1, और नीचे x लिखा ना हमने, तो हम सीधा ये x ये 3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। एफ ए है आपका, फिर से कर देता हूँ, एफ ए हो जाएगा 1 रखना हो यहाँ पर, 1 प्लस 1 बाय 1 यानी कि आपका हो गया ये 2, तो 10 बाय 3 और 2 आया है, तो अब हम क्या करेंगे 10 बाय 3 माइनस 2 बाय एफ बी माइनस एफ ए हो गया, और बी माइनस ए हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2, ये बनेगा ऊपर बनेगा 10 माइनस 6 बाय 3 और नीचे 2 है ही, ये बनेगा 4 बाय 3 इंटू 2, 2 टू 4 2 बाय 3 बन गया ये फाइनल, तो इसके इससे इक्वेट कर देंगे 2 बाय, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर ये का 2x, अब इसको इधर ले आइए 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो और 3 को इधर ले जाइए, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 3 आने जाइए, तो x बना आपका प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसमें आपको देखना है कि यहाँ आप 1 और 3 के बीच में बात कर रहे हैं, और ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हमको डोमेन ही ये दिया हुआ है, तो ये कल और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 इसी के बीच में आती है, तो x बराबर अंडर रूट 3 आपका ये आंसर भी आ गया, इसी को आपको करना है, तो आपने लैग्रेंज थ्योरम से इसको वेरीफाई कर, तो ऐसे कर लेंगे ना, एक एक चीज जो की है मैंने वो मैं आपको दर्शा भी देता हूँ, इस तरीके से ये होगा। अब ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, x प्लस 4 ए प्लस बी होल स्क्वायर को खोलिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बनेगा एक्स क्यूब प्लस 8x square plus 16x, और उसको फिर जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे कर दीजिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आप मुझे पूरा यकीन है आप इसे कर लेंगे। ये वाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बार और इसको कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है एग्जाम अगर में आ जाए तो इसको हम जरूर कर लें, लेकिन वो करेंगे हम अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।